हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कॉक संबंधित सारे कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं। यानी कि कॉक रिलेटेड जितने भी आपके माइंड में कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन है, उसको हम दूर करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक अवश्य देखें। अक्सर सिंगल लोको, एमयू लोको या डेड लोको या डबल हेड या बैंकर में कॉक पोजिशन क्या रहेगा, ये अलग अलग पढ़ने से माइंड में कन्फ्यूजन होता है और हम भूल जाते हैं या कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसलिए ये सारे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम एक टेबल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हमारे YouTube चैनल कुशवाहा जी रेलवे को सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो के लिए। तो आइए वीडियो को देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सिंगल यूनिट यानी कि सिंगल लोको के बारे में मालूम करते हैं। यानी सिंगल लोको में दो कैब होता है, यानी कि एक लीडिंग जिससे आप ड्राइव करते हैं और एक उसी में दूसरा कैब होता है जो कि ट्रेलिंग कैब होता है। तो दोनों में A9 SA9 का इनलेट और आउटलेट कॉक पोजीशन क्या होगा और A8 का पोजीशन क्या होगा, MU2B क्या होगा, IP कॉक का पोजीशन क्या होगा, ये सब को क्लियर करने के लिए हम एक सीरियल वे में हम बताने वाले हैं। इसलिए इसको ध्यान से देखिए। यदि सिंगल लोको यानी कि सिंगल यूनिट है तो दोनों कैब में A9 और SA9 का इनलेट और आउटलेट कॉक होता है, यानी कि एक ही जगह पे चार कॉक होता है। तो लीडिंग कैब में क्या होगा और ट्रेलिंग कैब में क्या होगा, सो देखिए। सिंगल यूनिट है तो लीडिंग कैब में A9 और SA9 यानी कि इनलेट और आउटलेट दोनों कॉक, यानी कि दो इनलेट और दो आउटलेट यानी कि चार कॉक, ये सभी ओपन होने चाहिए लीडिंग में। और वहीं उसी में ट्रेलिंग कैब जो पीछे में रहता है उसमें ये चारों कॉक क्लोज में होना चाहिए। और A8 कॉक जिसे कि LT कॉक भी लिखा हुआ रहता है, या कहीं कहीं आप समझ सकते हैं कि BP चार्जिंग कॉक, वो ओपन में होना चाहिए ताकि BP चार्ज होगा। और सिंगल ही है, MU2B है, वर्किंग में है, तो ये लीड में ही रहेगा। और IP कॉक ओपन में रहेगा, जिसमें भी आदमी रहेगा वो कॉक ओपन रहेगा IP, यानी कि सिंगल यूनिट में इस प्रोसीजर से कॉक पोजीशन रहेगा। और वहीं MU लोको के बारे में बात करते हैं। MU लोको मतलब मल्टी यूनिट, यानी कि एक से अधिक, यानी कि दो लोको है तो उसमें क्या है, आगे लोको से ही पीछे लोको का भी कंट्रोलिंग किया जाता है। यानी कि BLSN के द्वारा पीछे का भी पेंटो भी रेज कर सकते हैं, आगे BP ड्रॉप करे तो पीछे लोको, यानी कि सभी आगे जैसा पीछे में भी नॉच आएगा, आइडल करने से आइडल होगा, आगे से ही DJ क्लोज और ओपन सभी काम आगे से ही कर सकते हैं। तो MU बनाने के लिए इसमें चार कॉक रहता है, एक BP कॉक, फिर FP कॉक, MR इक्वलाइजिंग और BC इक्वलाइजिंग कॉक। इसके द्वारा हम ये चार कॉक को मिला करके और साथ में एक MU जम्पर रहता है जिससे कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं, और ये चार कॉक के द्वारा BP का सप्लाई यानी कि एयर प्रेशर का सप्लाई देते हैं, तब जाकर के MU मल्टी यूनिट काम करता है। इसमें दो लोको है, एक लीडिंग और ट्रेलिंग। तो लीडिंग में इसमें क्या कॉक पोजिशन रहेगा और ट्रेलिंग में क्या रहेगा, तो आइए इसको मालूम करते हैं। फर्स्ट लीडिंग के बारे में मालूम करते हैं, यानी कि MU लोको में मल्टी यूनिट में लीडिंग में कॉक पोजिशन क्या रहेगा। तो A9 और SA9 का जो इनलेट और आउटलेट चार कॉक है वो ओपन में होना चाहिए, और ट्रेलिंग उसी में पीछे का कैब है उसमें चारों कॉक क्लोज में होना चाहिए, और A8 कॉक ओपन में होना चाहिए लीडिंग में जिसके द्वारा BP चार्ज होगा, और MU2B लीड में रहेगा, और IP मैकेनिकल कॉक यानी कि जिसमें आदमी है उसमें ओपन रहता है। अब एक बात ध्यान दीजिए, जो सिंगल यूनिट में जो कॉक सभी जिस कंडीशन में है, वैसे ही MU लोको में भी जो आगे का लोको होगा वो सेम ही रहेगा। तो आइए अब पीछे लोको में MU ट्रेल लोको में कॉक पोजीशन क्या होगा,
उसके बारे में मालूम करते हैं। तो ट्रेलिंग लोको में A9 और SA9 का जो चारों कॉक है, इनलेट और आउटलेट, उसको क्लोज में रखेंगे। उसमें दो कैब रहता है तो दोनों में वैसे ही क्लोज ही रहेगा, क्योंकि आगे के द्वारा ही हमें प्रेशर को ड्रॉप करना है या चार्ज करना है। और A8 कॉक भी क्लोज रहेगा क्योंकि आगे लोको के द्वारा ही BP चार्ज करना है। और MU2B का पोजीशन ट्रेल रहेगा क्योंकि जिसमें आदमी रहता है वही लीड रहता है, बाकी में ट्रेल रखते हैं। आदमी का मतलब है क्रू, LP और ALP। और IP कॉक आपको बोले जिसमें आदमी नहीं रहता वो क्लोज में रहेगा, तो इसमें आदमी नहीं है ट्रेलिंग में, इसलिए ये क्लोज में रहेगा। इस प्रकार हम EMU में लीडिंग लोको और ट्रेलिंग लोको का कॉक पोजीशन सेट करेंगे। अब आइए बात करते हैं डबल हेड, यानी कि अलग अलग लोको है, एक अलग लोको है, ये अलग अलग लोको है, ये MU नहीं है, यानी कि ये चार कॉक इसमें लगा हुआ नहीं है और साथ में MU जम्फर केबल भी नहीं है, तो इसलिए ये डबल हेड यानी कि अलग अलग लोको है। तो आइए इसका कॉक पोजीशन मालूम करते हैं। फर्स्ट हम मालूम कर लेते हैं यानी कि लीडिंग में जो रहेगा उसका डबल हेड में कॉक पोजीशन क्या रहेगा। तो लीडिंग में A9 और SA9 का जो इनलेट और आउटलेट कॉक है वो सभी ओपन रहेंगे, यानी कि चारों कॉक ओपन रहेगा। और उसी में पीछे में जो चारों कॉक होगा A9 और SA9 का इनलेट और आउटलेट, वो चारों कॉक क्लोज में रहेगा और 8 कॉक का पोजीशन ओपन रहेगा, BP चार्ज करने के लिए ओपन रखना पड़ेगा। और MU2B लीड में रहेगा क्योंकि जिसमें आदमी है वो लीड में रहेगा, और लीडिंग में आदमी है, क्रू है, तो इसलिए वो IP मैकेनिकल कॉक भी ओपन में ही रहेगा। तो ये बात करते हैं डबल हेड लोको है जिसमें ट्रेलिंग यानी कि पीछे में जो लोको है उसका कॉक पोजीशन क्या रहेगा। इसमें भी चारों कॉक यानी कि इनलेट आउटलेट कॉक जो है वो ओपन में ही रहेगा, क्योंकि तो इसमें MR और BC इक्वलाइजिंग जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए ये अलग अलग है, इसलिए इसमें ओपन में रखेंगे। और इसी में जो दूसरा कैब है उसमें चारों कॉक क्लोज में रखेंगे, और 8 कॉक है यानी कि LT कॉक वो क्लोज में रहेगा क्योंकि आगे से ही BP का सप्लाई पीछे लोगों को जाएगा, और इसमें MU2B का पोजीशन लीड रहेगा और IP मैकेनिकल कॉक है सो ओपन में रहेगा। तो इसमें अंतर एक यही रहेगा कि 8 कॉक क्लोज में रहेगा क्योंकि BP का सप्लाई आगे लोगों से जाएगा और MRBC इक्वलाइजिंग जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए बाकी सब सेम रहेगा, ये चीज ध्यान में रखना है। अब आइए डेड लोको के बारे में बात करते हैं। तो डेड लोको में दो कंडीशन आ सकता है, एक कि आगे लीडिंग हो और पीछे जैसे काम नहीं है, यूज नहीं है, इम्प्टी लेके जाना है, तो वैसा कंडीशन में पीछे लोको का जरूरत नहीं है, वैसा कंडीशन में पीछे को हम डेड बना देते हैं, यानी कि मल्टी यूनिट है लेकिन हम पीछे का यूज ना रहने के कारण हम पीछे को डेड बनाते हैं। इसका डेड बनाने का प्रोसीजर अलग है, कॉक पोजीशन अलग है, और ये डबल हेड अलग अलग लोको है या कोई एक ही लोको है लेकिन ऐसा पीछे में लोको अटैच करना है जो कि जाने लायक नहीं है, एनर्जाइज करने लायक नहीं है, लोको में कुछ प्रॉब्लम है या फॉर्मेशन के साथ लेके जाना है, तो वैसे में पीछे लोको का कॉक पोजीशन चेंज हो जाएगा, यानी कि एक BC और MR इक्वलाइजिंग के साथ है उसको डेड बनाने का अलग प्रोसीजर है, और जो MRBC के साथ जुड़ा नहीं है जो कि ओनली BP या FP के द्वारा ही जुड़ा है उसका डेड बनाने का, यानी कि कॉक पोजीशन दोनों का डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है आइए देखते हैं। फर्स्ट हम डेड लोको यानी कि जो विदाउट MR और BC इक्वलाइजिंग पाइप के है के बारे में पहले जानते हैं। इसमें A9 और SA9 का इनलेट और आउटलेट कॉक होगा सो क्लोज रहेगा, और वहीं दूसरे कैब में भी इनलेट और आउटलेट कॉक जो है चारों कॉक वो भी क्लोज में ही रहेगा, और 8 का कॉक भी क्लोज में ही रहेगा क्योंकि ये ऑलरेडी डेड है तो ओपन करने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि BP कैसे चार्ज होगा, और ये भी और ये दोनों कॉक
दोनों कैप का कॉक जो है क्लोज में रहेगा और एमई टू बी का पोजीशन ये लीड में रहेगा और आईपी मैकेनिकल कॉक है सो क्लोज में रहेगा, यानी कि इसमें सभी कॉक जो है क्लोज में रहेगा। अब आइए डेड लोको जो कि विथ एमआरबी सिंक्रोनाइजिंग से जुड़ा हुआ है, यानी मल्टी यूनिट में डेड लोको जो पीछे का जो बना रहे हैं उसका कॉक पोजीशन क्या होगा। उसमें जो A9 और इनलेट और आउटलेट कॉक है सो क्लोज में रहेगा और सेकंड कैब में भी वो भी इनलेट और आउटलेट कॉक क्लोज में रहेगा, यानी कि दोनों कैब का इनलेट और आउटलेट कॉक क्लोज में रहेगा। A8 भी यानी कि बीपी चार्जिंग कॉक भी क्लोज में ही रहेगा और MU2 भी रेल में रहेगा और IP मैकेनिकल कॉक इसमें कोई आदमी नहीं है इसलिए ये क्लोज में ही रहेगा। अब इसमें MR और BC इक्वलाइजिंग में क्या अंतर है डेड बनाने में कॉक पोजीशन, ये देखिए। जिसमें MR और BC इक्वलाइजिंग है यानी कि आगे में ऑलरेडी एक लोको है मल्टी यूनिट है उसमें पीछे लोको में ट्रेल में हो जाएगा MU2B का पोजीशन, और जिसमें MR और BC इक्वलाइजिंग नहीं जुड़ा हुआ है उसमें MU2B का पोजीशन लीड में रहेगा। यही दोनों में चेंज है, बाकी सभी कॉक पोजीशन जो है वो क्लोज में ही रहेगा। अब आइए बैंकर लोको के भी बारे में बात कर लेते हैं। बैंकर लोको में A9 और SA9 का इनलेट और आउटलेट कॉक जो है लीडिंग में ओपन रहेगा चारों कॉक, और वहीं ट्रेलिंग जो कैब होगा उसमें चारों कॉक क्लोज में रहेगा और A8 कॉक जो है वो क्लोज में रहेगा क्योंकि आगे लोको से सप्लाई यानी कि लीडिंग वाला आगे में जो है उससे सप्लाई आता है, इसलिए पीछे का कॉक क्लोज कर लेंगे क्योंकि पीछे के द्वारा चार्ज करेंगे तो आगे लोगों से ड्रॉप करने के बाद भी बीपी ड्रॉप नहीं होगा और गाड़ी रुकेगी नहीं, इसलिए पीछे 8 कॉक यानी कि बीपी चार्जिंग कॉक ओपन करने की जरूरत नहीं है इसलिए क्लोज कर लेंगे। और बैंकर लोगों में आदमी है इसलिए इसको लीड में रखेंगे MU2B को, और आदमी है इसलिए IP मैकेनिकल कॉक भी ओपन में ही रहेगा। इस प्रकार हम डेड लोको में कॉक पोजीशन सेट करेंगे। तो इस वीडियो में हम टेबल के द्वारा सिंगल यूनिट MU लीड लोको MU ट्रेल लोको और डबल हेड लीडिंग और डबल हेड ट्रेल लोको डेड लोको विथ MR और BC इक्वलाइजिंग के साथ और विदाउट MR और BC इक्वलाइजिंग के साथ और बैंकर लोको में कॉक पोजीशन क्या होगा इसके बारे में मालूम किए। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके अवश्य बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कि वीडियो देख रहे हैं लेकिन कमेंट ना कर रहे हैं या सब्सक्राइब ना कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके अवश्य बताएं, और आप यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।